हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं आपके साथ रवि कुमार। जो मैं आपको रीवा से खास अपडेट लेकर हाजिर, जो कि आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र अंतर्गत जहां पर एक निरीक्षक सिविल थाना प्रभारी के ऊपर एक एसआई ने गोली दाग दी। गोली क्यों दागी, कैसे दागी, क्या वजह थी, ये बातें अभी तक पुलिस ने भी नहीं बताया। यानी कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बातें भी अभी तक स्पष्ट चलकर सामने नहीं की गई कि आखिर में गोली क्यों मारी। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो गोली ज़रूर लगी और तीन फायर भी किए गए। एक फायर जो उनके ऊपर जो सीधे देखा गया कि उनके कंधे पर जो गोली लगी है, और दो फायर वो जब उसे ये लगा कि मुझे अंदर भेड़ा जा रहा है तो उसने दो गोलियां और भी दागी। ये दो आवाज आते हैं और ये मेरा कहना नहीं है बल्कि ये सामने स्पष्ट की गई कि लगभग उसने अपने पिस्टल से गोलियां भी दागी हैं। लेकिन एक गोली ऐसी गोली जो सीधे तौर पर देखा जाए कि पिस्टल से अपने ही अधिकारी यानी कि निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा को सीधे देखा गया कि उसने गोली मार दी। इस गोली की वारदात पे अगर देखा जाए गोलीकांड में कहीं ना कहीं आखिर में मामला ये बनता है कि गोली मारी क्यों गई। ये बात अभी तक स्पष्ट पुलिस ने नहीं किया कि गोली क्यों मारी गई। लेकिन उनका इलाज मिनर्वा हॉस्पिटल में चल रहा जहां ये देखा गया कि उनको ब्लड की कमी हुई। ब्लड की कमी को लेकर के डॉक्टर के द्वारा तत्काल इलाज भी किया जा रहा और ब्लड डोनेशन को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर अन्य व्यक्ति तक संपर्क किया गया। और ये भी देखा गया कि सोशल मीडिया पर से लेकर के अन्य व्यक्ति तक यानी जितने भी वहां पर आम जनता मौजूद हुए सभी ब्लड देने के लिए भी तैयार वहां पर बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले पर देखा जाए तो बहुत बड़ी बातें चलकर सामने आ रही कि जो इसमें से एक व्यक्ति था यानी कि जिसने गोली दागी है वीआर सिंह, एसआई वीआर सिंह के द्वारा ये भी कहा जा रहा कि सवाल जो था कि आखिर में गोली क्यों मारी, तो इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं एक कहूँ कि बेतहात्मक टाइप का एक जवाब आ रहा जहां पर ये कहा जा रहा कि उस व्यक्ति ने गोली इसलिए मारी क्योंकि उसका ट्रांसफ़र कहीं और करवा दिया गया था। वो भी आरोप लगा रहा कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसने मेरा ट्रांसफ़र करवाया था। हालांकि बात बहुत सारी आ रही, ये भी बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति था वो नशे में था इसलिए गोली उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को मारा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी जो कि सवाल के जवाब ढूंढने पर मीडिया भी लगी हुई है कि आखिर में गोली क्यों मारी, कैसे मारी, क्या परिस्थिति थी और उसके पास पिस्टल कैसे आया। तो यह भी बताया जा रहा है कि उसके पास दो पिस्टल मौजूद थे, एक तो खुद का पिस्टल और दूसरा पिस्टल निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा का। जब गोली लगी और वो मूर्छित अवस्था में पड़े रहे उससे पहले उन्होंने शायद प्रयास किया होगा अपने बचाव के लिए, तब उसने पिस्टल वो भी निकाल लिया और दो पिस्टल उसके पास मौजूद थे। ये तक वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो बयान दिया गया उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा कि उसने अपने ही पिस्टल से यानी सरकारी पिस्टल से उसने ये जो है गोली मारी है और इसका जो है जांच जारी है। हालांकि आपको बता दूं कि पूरे मामले पर वीआर सिंह को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने सरेंडर भी कर दिया है। जहां मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर अब यह भी कहा जा रहा है कि तत्काल इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और इसे जेल भी भेजा जाएगा। अब बात यह है कि अगर निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा अगर बच जाते हैं तब इनके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, कैसे, क्या इनके इनके घर पे बुलडोजर चलेगा, गोलीकांड तो ये भी है, क्या इन्हें क्या अथॉरिटी मिल गई है कि किसी को गोली मार देंगे, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इस सवाल का जवाब कौन देगा, तो उसके लिए सुनिए ये बयान कि आखिर में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना क्या है, गोली क्यों मारी गई, उसका भी जवाब, बहुत सारे जवाब जो कि चाहिए, पूरा ये बयान देखिए कि आखिर में कहना क्या है। क्रम को लेकर जो घटनाक्रम है उसके आधार पर पुलिस में कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें FIR होगी 307 के अंतर्गत, दो सारी चीज़ें की जा रही हैं और बाकी जो कार्रवाई है सभी चीज़ की जा रही है। अभी प्रायोरिटी हमारा है कि PI सिविल लाइन जो अभी एडमिट है उनकी जान बचाने की प्रायोरिटी है और जो बाकी कार्रवाई है वो सब उसके साथ चलती है। सर, पाँच घंटे लग गए आरोपी को अपने गिरफ्त में लेने में, क्या कुछ हुआ उस वक्त उस दौरान? पूरा एक पेक्यूलियर एक अलग तरीका का पूरा वो था और क्योंकि जो आरोपी है सरस्वती बिहार सिंह उनके पास पिस्टल भी थे उसके पास और वो सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा समझाइश उसके साथ ही किया गया
और उसके उपरांत फिर कस्टडी में लिया गया। सर, शासकीय पिस्तल से गोली चलाई गई क्या? सरकारी पिस्तल। हाँ, सरकारी पिस्तल। कितनी पिस्तल थी सर? गोली चलाई। वजह क्या है सर इसकी? वजह आप साइज पूछा जाएगा, पता किया जाएगा उसके आधार पर। सर, कितनी पिस्तल बरामद हुई है? अभी जो पता चला है कि कुछ ना कुछ विवाद हुआ है और जिसकी वजह से फिर ये घटना। सर, कितनी पिस्तल बरामद हुई है? रोसा उठ गया है, क्या कहेंगे आप? दो पिस्तल बरामद। सर, टीआई की स्थिति कैसी? टीआई की स्थिति अभी स्टेबल है, हम डॉक्टर की टीम का वेट करें। एक टीम जौनपुर से आ रही है, ऑन द वे है, और एक टीम भोपाल से जौनपुर लैंड कर गई है, वो भी जौनपुर से स्टार्ट। सर, चार दिन नहीं बीतता है रीवा में गोलीकांड होता रहता है, ये एक अलग तरह का घटनाक्रम है और इसमें उसी प्रकार से इसमें तारे जिस तरह जहाँ पुलिस ही पुलिस के ऊपर गोली चला रही है, ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़ेगी? मतलब जनता पुलिस अपना काम करेगी, इसको आप क्या कैसे? पुलिस अपना काम करेगी, कोई भी अपराधी हो पुलिस अपना काम। सर, ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, 30% क्या वो मानसिक विकलांगता का कोई प्रमाण पत्र है उनके पास, और उनको जो है उनके जूनियर के अंडर पे पदस्थ करना, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ऐसा कोई हमें संज्ञान नहीं आया कि मानसिक विकलांगता या ऐसी कोई चीज़ आप जो बता रहे हैं, और बाकी चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन का। जिस तरह अपराधियों का व्यवहार किया जाता है, इस तरह का इनके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता? देखिए, समय समय और जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके आधार पर सही कार्रवाइयाँ होती हैं, और जो आरोपी है कानून के नजर में वो आरोपी है, उसको इस हिसाब से कार्रवाई। रिमांड कब दिया जाएगा? मिले क्या कुछ कानून में? एसआई से आप मिले हैं अभी को क्या क्या कुछ कानून चल रही है? अभी प्राथमिक उसमें कथन बातचीत किया है, और बाकी चीजें जो है विवेचना का पार्टी से बहुत कुछ। नशे की हालत में है क्या आरोपी? सर, डॉक्टर आ रहे हैं, उनका एक टीम यहाँ पर जो है वहाँ से रवाना किया गया जबलपुर से। क्या जबलपुर से एक टीम आ रही है और एक भोपाल से टीम जौलपुर में लैंड कर गई है, वो भी बाई रोड जौलपुर। अभी कैसे स्थिति है टीआई साहब की? अभी स्टेबल है और डॉक्टर्स यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत। बुलडोजर चलेगा मामा का? लगातार जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज से, और भी खास खबरों से आपको अपडेट करवाना चाहूंगा। अब देखना यही होगा कि इस पर सरकार का क्या कड़ा एक्शन, बड़ा एक्शन होता है, जब ये देखा जाएगा कि पुलिस ने ही जब पुलिस को गोली मारी है तो आखिर में यहां पर सरकार एक्शन क्या लेगी। हालांकि उनका बार बार कहना एक ही चीज है कि मैं इस पूरे मामले पर वही एक्शन लूंगा जो आम जनता जो करती है, यानी कि कोई अन्य आरोपी या अपराधी जो होता है, जो उसने किया है वो उसने ये भी किया है, और वही प्रक्रिया, वही धाराएं, सारी चीज़ें वही लगेंगी, यहां पर कुछ और नहीं देखा जाएगा। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से, इस खबरों के साथ और भी खास खबर लेकर मैं हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय विंध, बहुत बहुत धन्यवाद।